नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑल इन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑल इन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, BLO ऐप बूथ लेवल ऑफिसर्स को अब जो एक महत्वपूर्ण कार्य करना है, जो भारत निर्वाचन आयोग ने भी कह दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कह दिया है पत्र के जरिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब मतदान केंद्र के सामने जाकर मतदान केंद्र का सही बिल्कुल एक्यूरेट लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांश जो है हमें अपडेट करना है। ठीक है, तो किस तरह से अपडेट होगा, क्या क्या प्रोसेस रहेगी, वो मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा, आदेश भी दिखाऊंगा, उसके बाद मोबाइल ऐप के माध्यम से दिखाऊंगा भी कैसे करना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है लेकिन करना जरूरी है क्योंकि टाइम लिमिट है, इसकी समय सीमा है। तो बिल्कुल सही हमें लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है अपडेट करना है मतदान केंद्र के। ठीक है, तो चलिए पूरा वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मध्य प्रदेश CEO madhyapradesh.nic.in ये वेबसाइट है, हम इससे बाकी के भी जानकारियाँ देख सकते हैं, बहुत सारी जानकारी हैं। आप मेरी जो प्लेलिस्ट बनी है BLO ऐप की, उसमें भी सारे वीडियोस जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सीधे आदेश पर चलते हैं, जो महत्वपूर्ण आदेश है। तो दोस्तों, कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा आदेश निकाला जा चुका है, आप पत्र क्रमांक देख सकते हैं, भोपाल दिनांक 24/9/2024 है ना, 24 सितंबर को ही आदेश निकाला जा चुका है प्रति कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त मध्य प्रदेश। विषय महत्वपूर्ण यही है, अपडेटिंग ऑफ पोलिंग स्टेशन लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स इन द ERO नेट सिस्टम रिकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा ये वीडियो में मध्य प्रदेश के लिए दिखा रहा हूँ लेकिन ये प्रत्येक स्टेट के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए, क्योंकि इसमें भारत निर्वाचन आयोग का भी पत्र क्रमांक दिया हुआ है। तो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड हमारी जो BLO ऐप से है, हमें पोलिंग स्टेशन की जो है अपडेट करना है अक्षांश देशांश को। तो किस तरह से होगी वो भी अभी दिखाने जा रहा हूँ मोबाइल ऐप के जरिए। तो पहले हम आदेश देख लेते हैं, संदर्भ दिया हुआ है भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक ये है जो 24/9/2024 का ही है। उपरोक्त विषयक संदर्भित पद भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 24/9/2024 का अवलोकन हो, जिसके द्वारा समस्त मतदान केंद्रों अक्षांश और देशांतर निर्देशांकों को अद्यतन कर BLO ऐप के माध्यम से जानकारी दिनांक 30/9/2024 तक 30 सितंबर 2024 तक जो है अपडेट कर अवगत कराने का कष्ट करें। संलग्न उपरोक्त अनुसार राजेश कुमार कौल जी, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी महोदय मध्य प्रदेश द्वारा आदेश निकाला जा चुका है, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पत्र है वो भी मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। ये नंबर आप देख सकते हैं, डेटेड 24/23 लिखा, फिर नीचे उसको सुधारा गया 24/9/2024 24/9/2024 का, टू द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड अर्बन एंड यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड एंड महाराष्ट्र। सब्जेक्ट: अपडेटिंग ऑफ पोलिंग स्टेशन लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स इन द ERO नेट सिस्टम रिगार्डिंग। मैडम सर, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू यूर अटेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरिंग दैट ऑल पोलिंग स्टेशन लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स आर एक्यूरेटली अपडेटेड एंड रिकॉर्डेड। एक्यूरेट जियो स्पेशल डाटा फॉर पोलिंग स्टेशन प्लेज ए की रोल इन इम्प्रूविंग इलेक्टर्स एक्सेसिबिलिटी टू द पोलिंग स्टेशन एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। The facility to update GIS coordinates, latitude and longitude is already integrated into the BLO app and available in the ERO login on ERO net to facilitate this process. Both platforms provide easy to use interfaces to capture and verify the precise location of polling stations. To avoid discrepancies, is ensure that the data is updated and reviewed for accuracy. Please ensure all BLOs, booth level officers and EROs आर एक्टिवली इंगेज इन द प्रोसेस टू अवॉइड डिस्क्रिपेंसीज। प्लीज मेक श्योर द कोऑर्डिनेट्स आर एक्यूरेट टू द हाइएस्ट पॉसिबल डिग्री ऑफ प्रिजेंस। द CEOs इज एक्सपेक्टेड टू मॉनिटर दिस एक्सरसाइज प्रोग्रेस क्लोजली एंड इंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ दिस एक्टिविटी। प्रेसाइज GIS डाटा इन्हेंसेज इलेक्ट्रल आउट रीच एंड इंश्योर दैट पोलिंग स्टेशंस आर लोकेटेड within a maximum distance of 2 kilometers from the electors residence. Additionally, it adds in the relationships process of polling stations. You are therefore requested to ensure that the polling station location data is accurately updated across your state UTs and complete the exercise by 5th October 2024. तो 5 अक्टूबर 2024 के पहले के लिए कहा गया है भारत सरकार द्वारा। Yours faithfully. ठीक है, इस तरह से डिप्टी डायरेक्टर जनरल IT डिवीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आदेश निकाला जा चुका है।
मेनली इसीलिए लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड अपडेट करा रहे हैं कि जो इलेक्टर हैं, जो वोटर्स हैं, उन्हें पता रहे कि हमारा जो है मतदान केंद्र कहाँ है, वो ऑनलाइन भी देख सकें। तो इस तरह से इसलिए ज़रूरी है कि लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड अक्षांश जो है हमारे अपडेटेड रहें। तो ये आदेश मैंने दिखा दिया भारत सरकार का भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी और मध्य प्रदेश का भी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश का भी। ठीक है, अब मैं चलिए मोबाइल ऐप पर ले चलता हूँ, आपको वहाँ से कैसे अपडेट करना वो दिखा देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, प्रोसेस वही रहेगी। इस तरह से आपको बी एल ओ ऐप दिखती ही है, आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें पहली बार कर रहे हैं तो, और पहले से इंस्टॉल है तो अपडेट ज़रूर कर लें। उसके बाद लॉगिन कर लें अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से ओटीपी द्वारा। उसके बाद आपके समक्ष इस तरह से होम स्क्रीन दिखने लगेगी। ये देखिए, इस तरह से आपको बी एल ओ ऐप की होम स्क्रीन दिखने लगती है। तो इसमें अब आपको सीधे चलना है, पहले ही ऑप्शन है फैसिलिटीज़। ठीक है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ क्षणों के पश्चात ये ऊपर ही आपको दिखेगा फैसिलिटीज़, पोलिंग स्टेशन नेम एंड एड्रेस आ जाएगा, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, यहाँ पर अक्षांश दशांश दिख रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, ये एक पेंसिल का साइन दिख रहा है, उसके आगे लिखा हुआ है कैप्चर जीपीएस कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो कैप्चर जीपीएस कोऑर्डिनेट्स जो है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से क्या होगा आप, और ये क्लिक कहाँ करना है, आपको अपने मतदान केंद्र पर जाकर ही क्लिक करना है, जिससे कि आपको बिल्कुल सही सही जानकारी, सही अक्षांश दशांश, सही लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है कैप्चर किए जा सके। तो मतदान केंद्र के सामने आपको खड़े होना है, कैप्चर जीपीएस कोऑर्डिनेट्स पर क्लिक करना है, कुछ क्षणों का इंतज़ार करना है। कुछ क्षणों के इंतजार के बाद इस तरह से आपको दिख जाएगा आपका ये लोकेशन पूरी दिखने लगेगी। यहाँ पर जो आपका मतदान केंद्र है, इस रेड जो बलून टाइप से दिख रहा है इसमें आपको दिखने लगेगा। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये देखिए, मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही हम सबमिट करेंगे और सबमिट कर देंगे तो ये लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड हमारे अपडेट हो जाएंगे। इसके बाद हमें अभी कुछ नहीं करना है, लेकिन चूँकि हम पूरी फैसिलिटीज़ अपडेट कर रहे हैं तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, पोलिंग स्टेशन की फ़ोटोज़ भी चेक कर सकते हैं, और जो बाकी के एएमएफ हैं, एएमएफ और ईएमएफ वो भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे प्रोविज़न फॉर रैम, क्योंकि अपडेट सारी चीज़ें हो जाएंगी ना। अपडेट अभी हमें करना जीपीएस कोऑर्डिनेट्स दिए, लेकिन एक बार चेक कर लें कि रैम पे ये है कि नहीं, हमारे यहाँ पूरा सब अवेलेबल है या नहीं, गुड क्वालिटी में है, ये सब चेक कर लें। एएमएफ और नीचे ईएमएफ आएगा, तो ये सब एक बार चेक कर लें कि सही लिखा हुआ है पूरा, उसके बाद ही अपडेट बटन पर क्लिक करें। ठीक है, क्योंकि ये भी साथ साथ में अपडेट हो जाएंगे, क्योंकि अपडेट पर क्लिक करेंगे सारी चीज़ें अपडेट होना, तो ये सब चेक कर लिया हमने। इसके बाद हम अपडेट पर क्लिक करते हैं। जो मैंने अपडेट पर जैसे ही क्लिक किया तो सक्सेसफुली अपडेटेड का मैसेज आएगा, मतलब आपका जो है लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड बिल्कुल एक्यूरेट आपके मतदान केंद्र के सामने खड़े होकर आपने किया है तो बिल्कुल एक्यूरेट जो है कैप्चर हो चुका है, अपडेटेड हो चुका है। इसके बाद होम पर हम क्लिक कर देंगे। तो इतना सा काम है दोस्तों, जल्दी जल्दी सभी कर लीजिए, 5 अक्टूबर के पहले करना है प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक स्टेट में, तो ये कार्य जरूर से जरूर कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह दोस्तों हर छोटी से बड़ी जानकारी से अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जरूरी है। आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहती है। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।